हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीवियर डिजाइन। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही शानदार खास प्लान जो कि एकदम लेटेस्ट डिजाइन है 2022 का। आप देख सकते हैं इस प्लॉट का साइज आपका 22 फीट 6 इंच बाई 70 फीट 2 इंच है। इसमें आपका प्लान डिजाइन किया गया है और उसके अलावा यहाँ पर जो और भी जगह आगे छोड़ी गई है वो आपकी 6 फीट 4 इंच है। ओके, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले। इसमें फुल फैसिलिटी 3 BHK गाइस, आपके प्रत्येक बेडरूम में अटैच लेट बाथ मिलने वाला है गाइस। इसमें हम सिस्टमेटिक पूरा तरीके से समझाने वाले हैं, तो आप एंड तक बने रहना। और आप अगर अपना प्लान डिजाइन कराना चाहते हैं, अपना बिल्डिंग डिजाइन करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तब भी आप कमेंट कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका ईस्ट फेसिंग है। यहाँ से एंट्री करते हैं आपका 4 व्हीलर के लिए। यहाँ पे ये रैम्प बनाया गया है 6 फीट 4 इंच जगह में, और यहाँ पे इनका जो है अपना ग्रीन एरिया रहने वाला है इतना पूरा। ओके, उसके बाद यहाँ से एंट्री करेंगे ये 8 फीट का जो है यहाँ पे गेट रहने वाला है। आपके अकॉर्डिंग आप 10 फीट का भी कर सकते हैं, जगह आपको पर्याप्त मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो आपका है पूरा ये आपकी कार पार्किंग मिल जाती है। कार पार्किंग का एरिया गाइस 11 फीट बाई 17 फीट जो कि काफी अच्छा है, इसमें बड़ी सी बड़ी कार पार्क कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ से एक स्टेयर केस दिया गया है। स्टेयर केस यहाँ से अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब ये आपका क्लॉक वाइज है। तो क्लॉक वाइज इसका साइज आपका 3 फीट है, ट्रेड आपकी 10 इंच की है और लैंडिंग आपकी 3 फीट की है। यहाँ पे 3 फीट का विंडो भी दिया गया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से ये फर्स्ट लैंडिंग पड़ेगी और आप अपनी 16 स्टेप के बाद अपने फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ओके, इसको कंटिन्यू स्टेयर केस भी हम बोल सकते हैं, वैसे स्टेयर केस का नाम है डॉग लैग्ड स्टेयर केस। ओके, उसके बाद यहाँ से आप एंट्री करके यहाँ से आएंगे तो ये वाला जो एरिया है ये आपका अप रहेगा, यानी आप फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे पहुंच चुके होंगे, तो इसके नीचे ये पूरा आपको ओपन रहने वाला है। तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं अपने गेस्ट बेडरूम के लिए। बेडरूम का साइज है इसका 9 फीट 8 इंच बाई 12 फीट। तो इसके लिए एक अटैच लेट बाथ दिया गया है, इसको टॉयलेट भी बोल सकते हैं, जिसका साइज है 4 फीट बाई 6 फीट 6 इंच जो कि काफी अच्छा है। और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे 2 फीट का वेंटिलेटर भी दिया गया है आउटर साइड में। ओके, तो इसका नेक्स्ट है ड्राइंग एरिया में जाने के लिए यहाँ से गेट दिया गया है जो कि आपको ड्राइंग एरिया में ले जाता है। उसके बाद इसके लिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो भी दिया गया है 4 फीट का। ओके, अब नेक्स्ट है डायरेक्ट मेन गेट है, यहाँ से 4 फीट का जो गेट दिया गया है यहाँ से डायरेक्ट भी आप अंदर आ सकते हैं और ड्राइंग एरिया के लिए यहाँ से भी आ सकते हैं। 2 डोर दिए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 4 फीट का डोर मिलता है, सेम पैसेज है। और यहाँ पे लेफ्ट में वो सॉरी राइट में आप देख सकते हैं आपके एक किचन दिया गया है। किचन का साइज जो है वो आपका 6 फीट 8 इंच बाई 10 फीट है गाइस, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पे आप फ्रीजर रख सकते हैं, फ्रीजर का ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहाँ पे अपना चूल्हा वगैरह सेटअप कर सकते हैं या पका जो है सिंक का ऑप्शन दिया गया है। इसमें भी गाइस आपको एकदम 3 ही फुट की इसमें विंडो देखने को मिलती है। ओके, अब इसके बाद में जो है अपने डाइनिंग एरिया में पहुंच जाएंगे। डाइनिंग एरिया का यहां से गाइस लेके ही आपको बता दें, यहां से यहां तक का जो एरिया है इसका, यहां से ये चौड़ाई और ये हाइट, तो इसका जो एरिया है आपका 14 फिट बाई 15 फिट 8 इंच है जो कि काफी अच्छा एरिया है। तो इसको आप एज अ ड्रॉइंग एरिया यूज कर सकते हैं। इस तरह से सोफा वगैरह सेटअप करके यहाँ पे आप अपनी LCD वगैरह सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस इसमें ये राइट में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पल दिया गया है। तो टेम्पल यहाँ पे 4 फिट बाई 4 फिट का दिया गया। इसका गेट इधर है क्योंकि यहाँ पे जितना भी एरिया है आप यूज कर सकते हैं फुल फैमिली के साथ। तो इसका साइज आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट है आपका ये डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के लिए गाइस ये आपको पैसेज एरिया यहाँ पे सो रहा है, जिसका साइज 8 फिट 8 इंच है।
वाइड, मतलब ये चौड़ाई है आपकी 8 फीट 8 इंच है, वही चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक पूरा आता है, तो इसी में आपका डाइनिंग एरिया सेटअप किया गया है। नेक्स्ट ये गाइस ओटीएस है, जो ओटीएस को 4 फीट बाई 6 फीट का ओटीएस यहाँ पे छोड़ा गया है। ओटीएस का मतलब ये है गाइस, ये पैसेज में ही आपका यहाँ पे जाल डल जाएगा, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ से आप आते जाते रह सकते हैं, प्रॉपर यहाँ से वेंटिलेशन होता रहेगा। नेक्स्ट बेडरूम में आप जाएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, उसके साथ ही आपको यहाँ पर जो है विंडो मिल जाती है गाइस। नेक्स्ट जो ओटीएस का इसका पर्पस है कि इसके लिए पूरा वेंटिलेशन भी मिलता रहेगा और इन बेडरूम्स के लिए भी, ठीक है। अब इस बेडरूम का जो साइज है गाइस, इसका साइज है बेडरूम का 12 फिट बाई 12 फिट, तो इस तरह से इस बेडरूम का है साइज। उसके बाद इसमें अटैच टॉयलेट दिया गया है जिसका साइज आपका 6 फिट 8 इंच बाई 7 फिट है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आगे जाने पर आपको ओटीएस में एक वेंटिलेटर मिलता है, और ओटीएस में एंट्री करने के लिए यहाँ पे 2 फिट का गेट भी तो लगा सकते हैं, इसको एज अ वॉशिंग एरिया यूज भी कर सकते हैं। इस ओटीएस का साइज आपका 6 फिट 8 इंच बाई 3 फिट, इसमें 2 फिट का वेंटिलेटर दिया गया है। उसके बाद वापस आने पर यहाँ पर आपको एक डोर मिलता होगा जो कि आपके पैसेज एरिया में जाता है, तो यहाँ पे अटैच विंडो भी दिया गया है इसके साथ में, तो डोर प्लस विंडो है। उसके बाद आगे जाने पर आपको एक मास्टर बेडरूम मिलेगा जिसकी एंट्री यहाँ से होगी, और साथ में आपको विंडो भी दिया जाता है। इसके मास्टर बेडरूम का साइज है 14 फिट बाई 14 फिट गाइस, इसमें इतने में पता है 2 बेडरूम बन सकते हैं जिसके स्पेस कम हो, तो इसको इतना स्पेस का मास्टर बेडरूम बना के दिया गया है, एकदम लग्जरी रहने वाला है। और इसमें गाइस आपको बाथरूम में मिलती है पूरा 5 फिट की, और 3 फिट इसकी गहराई है, और इसमें आपको 3 फिट का एक विंडो मिलता है इसमें ओटीएस की तरफ, ओके। वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और नेक्स्ट इसमें क्या है, टॉयलेट, टॉयलेट भी अटैच है इसमें दिया गया है 6 फिट 8 इंच बाई 7 फिट का, तो यहाँ पे ये टॉयलेट है आपका, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए 2 फिट का वेंटिलेटर भी दिया गया है। तो आई होप गाइस ये पसंद आया होगा आपको इस जितना भी है प्लान्स। और इसकी जो आउटर वॉल्स हैं वो आपकी 9 इंच की हैं, और अंदर की जो पार्टीशन वॉल्स हैं वो 4 इंच की हैं गाइस। तो गाइस ये आपको प्लान कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको भी डिजाइन करवाना है अपना बिल्डिंग तो उठाइए फोन, लगाइए नंबर, कॉल कीजिए मेरे को, आपको कॉन्टेक्ट डिटेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और प्लान्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।